told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे नो मेकअप मेकअप लुक जब आपके बहुत ज़्यादा एक्नेस हो, लाइक मेरे अभी बहुत ही ज़्यादा एक्नेस हैं, और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में मैं कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट स्टेप है अपने फेस को अच्छी तरह क्लेंस करना. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कॉसरेक्स का स्नेल म्यूसिन. आप इसकी जगह कोई भी सीरम भी यूज़ कर सकते हैं. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है इसलिए मैं इसको डबल मॉइस्चराइज़ करूँगी, पहले सीरम और उसके बाद मॉइस्चराइज़र. बिफोर मेकअप अपनी स्किन को ज़रूर अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि जब भी आपकी एक्ने वाली प्रॉब्लम होती है तो वैसे ही आपकी स्किन में ड्राई पैचेस हो जाते हैं, तो ये स्टेप तो मस्ट है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम. इसे स्किन केयर रूटीन के बाद आपको 5 मिनट्स वेट करना होगा जिससे सारे प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस. ये आपके मेकअप बेस को थोड़ा सा शाइनी एंड ग्लोई बेस दे देगा. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल प्रो प्राइमर. मैं अपने ओपन पोर्स पर इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ जिससे वो थोड़े ब्लर हो जाएँ. इसको मैं उसी एरिया पर लगाऊँगी जहाँ मुझे ज़्यादा ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम है. मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर. इसको मुझे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस है. अगर आपके फेस पे मेरी जितनी रेडनेस है तो आप कलर करेक्टर यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप कंसीलर ही यूज़ कर सकते हैं. अब मैं सारी अपनी प्रॉब्लम एरिया पे करेक्टर अप्लाई करने जा रही हूँ. आपको ये कलर करेक्टर एक डैब मोशन में ही लगाना है, कुछ स्वैप नहीं करना है. यू नीड टू जस्ट डैब इट इन टू योर स्किन. अब मैं ये पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फॉर माय अंडर आईज. मैं यहाँ पे अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि फिंगर्स से थोड़ा प्रिसाइजली लगता है. आप अगर बिगिनर्स हैं तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है. अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टू फेस कंसीलर. मैं इस लुक के लिए फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, बस कंसीलर ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये नेचुरल लुकिंग मेकअप लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन एंड कंसीलर का यूज़ करना चाहिए. अभी मैं उसी एरिया पे लगा रही हूँ कंसीलर जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है. और ये वाला जो स्टेप है वो आप आराम से टाइम लेके करिए क्योंकि यही स्टेप आपको आगे फ्लॉलेस बेस देगा. जब आप इसको अच्छे से अपने एक साइड लगा लें उसके बाद आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करें. एंड डोंट रब इट, ओनली डैब इट इनटू योर स्किन. अगर आप रब करते हैं या स्वैप करते हैं तो कलर करेक्टर और कंसीलर दोनों मिक्स हो जाएंगे और उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा. ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे वो आपके फेस के अदर एरियाज में लगाएं, लाइक चिन, नोज, अंडर आईज. यही सेम स्टेप मैं रिपीट करूंगी अदर साइड ऑफ माय फेस. और जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है ब्यूटी ब्लेंडर में वो मैं बाकी जगह लगा रही हूँ. एंड नाउ फॉर मोर कवरेज मैं यही स्टेप रिपीट करूंगी. अब पिंपल्स को कवर करने के बाद मैं सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट लूँगी और उसको अंडर आईज़ और जो भी हाइलाइटिंग एरियाज है उसमें लगाऊंगी जिससे कि एक थिन लेयर क्रिएट हो जाए. मेरे राइट साइड में बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है इसलिए एक बार और मैं उसको कंसीलर से कवर करूँगी. बट एज़ यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको नेचुरल लुक में रखना है. अब मैं सारे फेस में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, आपको सारे स्टेप ही शो किए हैं जिससे कि आप जब भी ये लुक ट्राई करें तो आपका भी कोई स्टेप मिस ना हो. अगर आपके भी फेस में एक्ने और पिगमेंटेशन का इशू है तो सर सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है वो अपने मेकअप बेस पे देना है, उसको सटल करना है.
मेकअप बेस चेक करने के लिए आप अभी हंस रहे हैं या कोई भी इमोशंस आपके फेस पे आ रहे हैं और मेकअप में क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं लाइक अंडर आइज के नीचे, तो आप जानिए कि आपका जो मेकअप बेस है वो परफेक्ट है। इस लुक को और नेचुरल रखने के लिए और नो मेकअप रखने के लिए मैंने एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उससे मैं जितना भी एक्स्ट्रा कंसीलर है उसको रिमूव कर रही हूँ। अब मैंने यह लिया है शुगर का लूज पाउडर, एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव करके मैं इसको अपने अंडर आइज पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पाउडर ब्रश लेके एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव करने के बाद अपने फेस पे डैब मोशन के साथ इसको सेट कर रही हूँ। अब आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो पैलेट। इस पैलेट में जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड होता है मैं उसे यूज़ करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा नेचुरल लगे। मैं इस लुक के लिए मैक का ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं यूज़ करूँगी एज ए ब्रॉन्जर। इसको आपको बहुत लाइटली प्रेस करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब मैं यही सेम शेड को अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी, जस्ट लाइट कॉन्टोरिंग, नॉट वेरी हैवी। और यही सेम शेड को मैं अपनी आईज पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये सेम शेड अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी, जिससे जो मेरा फेस अभी फ्लैट दिख रहा है उसमें थोड़ी वार्मनेस आ जाएगी। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये पैलेट, जो कि मैंने इतना यूज़ किया है इसको मैंने तोड़ भी दिया है। पर्सनली आई लव दिस पैलेट बिकॉज इसके जो शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और ये पैलेट बहुत अफोर्डेबल है। आप देख सकते हैं इसका जो पीच कलर है इस पैलेट का वो इतना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अब मैं सेम शेड ले रही हूँ जिसको मैं अपनी आईज़ पे लगाऊंगी और उसको बहुत ही कम अमाउंट में लगाऊंगी, जिससे सिर्फ एक लाइक न्यूट्रल सा शेड आ जाए। अब सेम पैलेट के हाइलाइटर से मैं अपनी आईज़ को हाईलाइट करूंगी और उसी हाइलाइटर से अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम अमाउंट लिया है, तो आप भी जब ये लुक क्रिएट करेगा तो ज़्यादा अमाउंट मत लीजिएगा। अब सेम पीच ब्लश का जो शेड था मैं अपने लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ। अब नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट लगाएंगे वो है मस्कारा, और मस्कारा तो हर लुक में मुझे लगता है मस्ट प्रोडक्ट है। मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब जस्ट टू ऐड सम लिटिल ग्लॉस ओवर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस लिप ग्लॉस। And this is the final look. I hope you like this video. Like and subscribe to this channel for more videos.